क्या गुजरी होगी उस बूढ़ी माँ के दिल पर जब उसकी बहू ने कहा, माँ जी आप अपना खाना बना लेना, मुझे और उन्हें आज एक पार्टी में जाना है। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी मुझे गैस चूल्हा चलाना नहीं आता। तो बेटे ने कहा, माँ पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, तुम वहां चले जाओ ना, खाना बनाने कोई नौबत ही नहीं आएगी। माँ चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर हो चली। यहाँ पूरा वाक्या 10 साल का बेटा रोहन सुन रहा था। पार्टी में जाते वक्त रास्ते में रोहन ने अपने पापा से कहा, पापा मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा। माँ ने बड़ी उत्सुकतावश पूछा, क्यों बेटा? रोहन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उस बेटे और बहू का सिर शर्म से नीचे झुक गया, जो अपनी माँ को मंदिर में छोड़ आए थे। रोहन ने कहा, क्योंकि माँ जब मुझे भी किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना होगा, तब तुम भी तो किसी मंदिर में भंडारे में खाना खाने जाओगे ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दूर के मंदिर में ना जाना पड़े। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। एक कब्र पर लिखा था, किसको क्या इल्जाम दे दूं दोस्तों, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। अच्छे लगे तो जरूर शेयर करना।